आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चैत्र नवरात्र पर्व में आठवें दिन आदिशक्ति माँ दुर्गा के आठवें दिव्य स्वरूप महागौरी की मंदिरों में पूजा अर्चना हुई। महागौरी की पूजा करने से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है और उनके सुख में वृद्धि होती है। चैत्र नवरात्र पर्व में आठवें दिन आदि शक्ति माँ के आठवें दिव्य स्वरूप महागौरी की मंदिरों में पूजा हुई। महागौरी के पूजन से भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण होती है और उनके सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। कोरोना काल के बाद ताज नगरी में चैत्र नवरात्र पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाए जा रहे हैं। मंदिरों में सुबह शाम भक्तों की भीड़ माँ की आराधना के लिए उमड़ रही है। बहुत अच्छा लग रहा है, आज अष्टमी का दिन है, आज शाम को भजन होंगे मंदिर में। सारे भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं और सुबह दर्शन करके तो इतना अच्छा लगता है कि पूरा दिन बढ़िया जाता है। नवरात्र मैया से यही प्रार्थना है कि सबके घर में खुशहाली, धन की बढ़ोतरी करें, सब बच्चे बड़े सब खुश रहें। कहते हैं कि नवरात्रि होते हैं, आज महागौरी मैया का दिन है और मैया वही सुखों दुखों को काटने वाली हैं और ऐसी शक्ति मिलती है नौ दुर्गों में, तो बस उसका तो बयान ही नहीं है। और बस सुबह उठ के बस पूजा पाठ उठ के जोत करते हैं, कन्या लांगनों को पूछते हैं, आज अष्टमी का दिन है, आज कन्या लांगन बहुत अच्छा लगता है। शाम को भजन होते हैं, भजन में खूब अपने मैया मेहर होती हैं, तो बस भजनों में आते हैं, खूब गाते हैं बजाते हैं। प्रताप नगर के मां नव दुर्गा मंदिर में विराजमान आदिशक्ति मां दुर्गा के नौ दिव्य स्वरूपों के दर्शनों से भक्त धन्य हो रहे हैं। सी न्यूज के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।